बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप यूर आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी वेरी गुड सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर बच्चे विच इज बेस्ड ऑन क्लोजेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोजिस को बच्चे closes क्या होती हैं किस टाइप की होती है और कैसे हम सेंटेंस में इनका यूज करते हैं सो लेट्स बिगिन A a clause is group of words that has a finite verb and a subject. So बच्चे बहुत सारे so, so, यहाँ पर हम discuss करेंगे बच्चे क्योंकि confusion हो जाता है कभी कभी clause कैसे होते हैं phrases कैसे होते हैं similar नजर आती है लेकिन हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं दोनों को इंडिविजअली तरीके से a, has a subject and a finite

द क्लोजिज के थ्रू ओके सेकेंड वन इज कॉर्डिनेट क्लोजेज कॉर्डिनेट करना होता है जो कॉर्डिनेट क्लोजेज होती है इज अ क्लोज इन अंटेंस विच इज नॉट द प्रिंसिपल क्लोज इन देंटेंस बट कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग फुली वो प्रिंसिपल तो नहीं होती लेकिन अपना मीनिंग फुली तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है लाइक like, कांता इज डांसिंग एंड मोहिनी इज सिंगिंग देर आर टू क्लोजेज इन द सेंटेंस कांता इज डांसिंग एंड मोहिनी इज सिंगिंग दोनों अलग अलग सेंटेंस है

सो बोथ हैंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो एक्सेट्रा इनसे हम ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे ये कॉर्डिनेटर क्लोज होती है एग्जाम्पल जो में देखते हैं बच्चे मैरी केम इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द सोफा शी हैज नॉट इन्वाइटेड मी यट आई शेल गो deceived his friend but also his parents i like drawing but my sister likes playing it was hot so i did not go out would you like to sit here or play there next i subordinate closes Subordinate clauses is a clause in a sentence which is dependent upon any other clause for its meaning. For example, he will watch a movie when he has completed his homework. This sentence has two clauses. He will watch a movie when he has completed his homework. The first clause, he will watch a movie. Has its independent meaning and is not dependent on the other clause for its meaning. So it is principal clause. However, the second clause when he has completed his homework cannot stand as independent sentence. So we can say that it has no sense of its own. So that its meaning is dependent upon the other clause for its full meaning. So it is a subordinate clause note. नोट के अंदर देखते हैं बच्चे जो सबोर्डिनेट क्लोजेस होती हैं सेंटेंस के अंदर बच्चे वो ज्वाइन होती हैं टू द प्रिंसिपल बाय प्रिंसिनेट कंजन के थ्रू फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा कुछ एग्जाम्पल भी बच्चे यहाँ पर हमें शो किए गए हैं इफ यू आर नॉट वेल यू कैन गो टू हॉस्पिटल आई हैव कंप्यूटर दैट कैन टॉक

हम यहाँ पर पढ़ने वाले सबोर्डिनेट क्लोजेस के फंक्शन क्या क्या हैं स्टार्ट करते हैं बच्चे जो सबोर्डिनेट क्लोजेस होती हैं वो परफॉर्म कर सकती है वैरायटी ऑफ फंक्शंस को द ऑफ कैन बी द फॉलोइंग सो फर्स्ट पॉइंट इज बच्चे अ कैन टेल अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन इन द प्रिंसिपल क्लोज फॉर एग्जांपल प्लीज हैंड ओवर दिस पैकेज टू मुकुल वेन ही रिटर्न फ्रॉम ऑफिस कैन यू वेट फॉर मी अंटिलाई कम बैक वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट

क्या बता सकती है वो बताती है हमें द द प्लेस प्लेस वेयर एन एक्शन टेक्स इन प्रिंसिपल क्लोज कि एक्शन कहां पर हुआ है प्लेस को एग्जिस्ट करती है ओके okay? एग्जाम्पल देखते हैं कि द बुक वेयर यू पिक फ्रॉम इट इज वेरी कोल्ड एट द प्लेस वेयर इट नोज शी मेक्स अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स वेयर एवर शी गोज देर वॉज ब्लड ऑन द रोड वेयर एन एक्सीडेंट टू प्लेस मिन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चे ये ब्लू कलर से बताया गया है कि एक्शन कहा हुआ है एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर सबोर्डिनेटेट क्लोज के अंदर सेंटेंस में बताते हैं कलर में जो दिया गया है नेक्स्ट है सबोर्डिनेट क्लोज वो हमें क्या बताती है बच्चे कैन टेल अबाउट द रीजन ऑफ एन एक्शन इन द प्रिपल क्लोज एक्शन का रीजन क्या है क्यों एक्शन हुआ है प्रिंसिपल क्लोज के थ्रू ये पता चलता है हमें प्रिंसिपल क्लोज में एग्जांपल लेटेस्ट रन बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी लेट सेज इट इज रेनिंग वी कैन नॉट गो नाउ भूषण डिड नॉट कम बिकॉज़ ही वाज इल यू कैन ईट एट रेस्ट यू वी आर वेल इन टाइम इन द अबव सेंटेंसेस द सबऑर्डिनेट क्लोजेस हैव बीन गिवन इन कलर व्हिच टेल अबाउट द रीजन ऑफ एन एक्शन प्रिंसिपल क्लोज यही तो बताया गया इसमें एक्शन के पीछे रीजन क्या है बच्चे ओके okay? तो so ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है नेक्स्ट है सबोर्डिनेट क्लोज अबाउट ऑफ एन एक्शन इन द प्रिपल क्लोज प्रिंसिपल क्लोज में एक्शन का पर्पज क्या है उसको बताती है हमारी सबोर्डिनेट क्लोज फॉर एग्जाम्पल वी है स्टार्ट कर लिया लेकिन क्या रीजन है क्यों किया सो दैट वी कैन रीच इन टाइम है ताकि हम टाइम पर पहुंच सके यू मस्ट स्पीक लाउडली इन ऑर्डर दैट एवरीबडी कैन लिसन टू यू क्लियरली स्टोर योर वेजिटेबल्स इन द फ्रिज सो दे डू नॉट रॉट रिमाइंड मी टूमोरो मॉर्निंग सो दैट आई डोंट फॉरगेट टू कम इन द द दब एक्साम्पलट कलर विच टेल अबाउट द दर्पज ऑफ द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लोज नेक्स्ट है बच्चे क्लोज जो है वो हमें ये भी बताती है अबाउट द कंडीशन और सर्कमस्टांसिस ड्यू टू विच समथिंग कैन हैपन फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट मी आई शेड सर्टेनली कम यू विल नॉट रीच अनलेस यू वॉक फास्टर वी शेल कैंसिल द प्रोग्राम इफ इट रेंस टूमोरो

However, if there is a unreal or imaginary situations in the sentence, the principal clause unless the auxiliary verbs like word, could and might and the simple past tense is the subordinate clause. For example, we could not live if we did not eat and drink. What would happen if the are uh, stopping rotating? Next situation have a subordinate clause can tell of someone concession or contrast there is something surprising or unusual connected with the principal clause. For example, although we started late, yet we reached on time. I decided to get up even thought it was only three o'clock in the morning. We must learn to speak English even if it is difficult. I challenged him even though he was stronger than me. The subordinate clauses in the above sentences have been given in color. Next situation, a subordinate clause. As compare an action in the principal clause with something else. Compare connected. Like she is taller than he is. I am stronger than I used to be. You can eat as much as you want. You must be cleverer than I thought. The subordinate clauses in the above sentences have been given in color. Next situation: a subordinate clause can be a tell about the result of an action in the principal clause. Action.

कैन डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग मैं इन द प्रिपल क्लोज उनको मैंशन करता है उनके बारे में बताता है उनको डिस्क्राइब करता है बच्चे ओके सो दिस टाइप ऑफ क्लोज इज कैन ऑल्ड अ रिलेटिव क्लोज फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट ट्रस्ट अ पर्सन हु इज डिसनेस्ट इज द वुमेन हु इज कुकिंग फूड इन द किचन यूर मदर जवाहरलाल नेहरू हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया वॉज द फेमस लीडर जिट द पार्क विच इज लोकेटेड ऑन द गांधी रोड द सबोर्डिनेट क्लोज इज इन देंटेंस है बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है आपको सो so, एक्सरसाइज दी गई है इनको आप खुद से कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को थोड़ी पहले समझेंगे देन आप सबोर्डिनेट क्लोज कैसी होती है किस सिचुएशन में हम उनको यूज कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उनको प्रिंसिपल क्लोज को भी समझते हुए तभी सभी क्लोजेस को कंप्लीट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करना नहीं भूलेंगे फ्रेज और क्लोजेस के बीच में बच्चे